हेलो गाइस, वेलकम टू बैक राम सिंह माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो गाइस आपका लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है कृष्ण जी का जन्मदिन है। आज के दिन पूरे भारत में जो जो भी कृष्ण जी के भक्त होंगे वह कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास भी रहे होंगे और शाम को पूजा याचना करेंगे। पूरी शहर में कृष्ण मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हैं पीछे है, अंदर के सीन में आपको दिखाने वाला हूं। तो हम लोग भी सोचे कि चलो चलते हैं कृष्ण मंदिर और देखते हैं वहां कितना पब्लिक आते हैं, कि ऐसा पूजा याचना होता है, कितना भीड़ जमा होता है, कितना सजावट है। ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं गेट मेन द्वार है। तो सबसे पहले जो भी हमारे भाई लोग जो वीडियो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही खुश रहें, पूजा अर्चना करते रहें। चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये मंदिर का सीन किस प्रकार है, कैसे सजावट है और कितने भक्तगण आते हैं, कैसे पूजा अर्चना होता है। तो अगर गाइड मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो हमारे नए भाई लोग अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अब कृष्ण मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं चप्पल जूता उतारने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं माय फैमिली लोग हैं और यहाँ पे हम जूता और चप्पल उतार देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हम उतार दिए हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मेरा पूरा फैमिली है। तो चलते हैं अंदर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सजावट है, मेन गेट द्वार है, कुछ इस प्रकार आप देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लाइट की सजावट है, यहाँ पे आप चारों तरफ का सीन आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है। और आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कृष्ण जी का जो पूरा पोस्टर लगाया गया है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों भक्तगण जो है कृष्ण और राधा बने हुए हैं, देख सकते हैं मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार जो है भक्तगण खुशियाँ मनाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सीन, यहाँ पे मंदिर है तो वहाँ जा रहे हैं सब भक्तगण अपने घरों से, कोई कृष्ण बना कोई राधा बना है और आकर यहाँ पूजा यात्रा करते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसा सीन है। तो ये देख सकते हो दोस्तों हम लोग अंदर जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सजावट है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। ये बच्चे लोग मिल गए, आप देख सकते हो, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ लड़कों को पसंद आ गया है, चलो ठीक ठीक है, आ गए तुम्हारे से ठीक। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही बेहतरीन सजावट है, मंदिर का सीन आप देख सकते हैं कुछ बेहतरीन सजावट है, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ का सीन आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे मेन मंदिर है जहाँ कृष्ण जी का मूर्ति स्थापित किया गया है, और आप चारों तरफ का सीन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, मतलब बहुत ही बेहतरीन सजावट है। अगर कभी भी आप इस धनपुरी आते हैं और कृष्ण मंदिर घूमना चाहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो आपको इस मंदिर आना बहुत जरूरी है। अगर आते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूजा यात्रा करेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उधर का कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा, तो चलिए अभी हम चलते हैं मंदिर और पूजा नरियल वरियल भेंट चढ़ा देते हैं। आए माँ फैमिली है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दान पेटी है। तो बहुत ही बेहतरीन सजावट है, यहाँ पे रंग बिरंगे लाइट लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं भक्त गणों की कमी नहीं, और मंदिर को इतना शानदार सजाया गया है। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सजावट है दोस्तों। आप देख सकते स्थापित किया गया है दोस्तों, कुछ बजरंगी बली जी का। और आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ पे हम दर्शन कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार सीन, मतलब यहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, मटकी फोड़ वगैरह कुछ डांस वगैरह शायद होगा। तो आप देख सकते हैं कृष्ण जन्मोत्सव लिखा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ इतना व्यवस्था बनाया गया है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम चलने वाला है। शायद अभी कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। और आप देख सकते हैं
इस प्रकार सब भाई लोग व्यवस्थापक हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे दीवार में पोस्टर वगैरह लगाया गया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है गाइस। धर्मपुरी में जो कृष्ण मंदिर है बहुत ही बेहतरीन, ऊपर का सीन आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो कुछ इस प्रकार। फाइनली गाइस आप लोगों ने वीडियो में देख ही चुके होंगे किस प्रकार व्यवस्था है, तो चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन येलो कलर का फ्लावर लगा हुआ है और मंदिर का कुछ इस प्रकार सजावट है आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ बच्चे पार्टी हैं जो मस्ती कर रहे हैं मंदिर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ सीन, मतलब बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाया गया है धर्मपुरी कृष्ण मंदिर में। कभी भी अगर आप आना चाहते हैं तो आकर ज़रूर घूमिएगा कृष्ण जन्माष्टमी में। यहाँ का जैसे ही 12 बजे गया तो पूजा याचना होगा, मतलब आज जो है कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कृष्ण जी आज पैदा होने वाले हैं ऐसा लोगों का कहना है, मतलब आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आप लोग भी यहाँ गाइस बताना चाहूँगा 12 बजे तक लगभग बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, नाच डांस वगैरह होता है, पूजा याचना होता है, मतलब भक्तगण बहुत अधिक संख्या में आएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और फिर से हम कार्यक्रम देखने आएंगे रात में, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो चलिए गाइस मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।